नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ सूबे में महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं जमीनी स्तर पर सभी वादे नाकामयाब और बेबुनियाद होते साबित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कभी राज्य की बहन बेटियां किसी वहशी दरिंदे का शिकार बन रही हैं, तो कभी किसी लव जिहादी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगियां तबाह कर रही हैं। इतना ही नहीं, कभी कोई मन चला अपनी बात ना मानने पर लड़कियों पर एसिड अटैक की वारदातों को भी अंजाम दे रहा है। इस बीच एक और खौफनाक वारदात उत्तर प्रदेश के मेरठ से खरगोदा थे क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर 16 साल की दलित नाबालिग लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी उस घर से दूर फेंक गया। और आपको बता दें कि इस मामले में सामने आने के बाद प्रशासन के वो सभी वादे झूठे साबित होते दिख रहे हैं, जिसमें वो महिला सुरक्षा की बात करते थे। हालांकि मामले की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, वहीं किशोरी के परिजनों की तरफ से खरखौदा थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। मामला अलग अलग समुदाय के होने के चलते गांव में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की हुई है। आइए अब आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल मामला खरखौदा थाना क्षेत्र के उलधन गांव का है, जहां 16 साल की किशोरी 9 अगस्त 2021 की रात अपने घर में सोई हुई थी। जब 2 बजे किशोरी की बड़ी बहन उठी तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन घर में नहीं है, जिसके बाद अपने परिवार वालों को उसने बताया। परिजनों ने आसपास तलाश की तो किशोरी घर से करीब 200 मीटर दूर एक खेत में मिली, जहाँ किशोरी ने अपने परिवार के लोगों को रेप की घटना के बारे में बताया। 10 अगस्त की दोपहर को परिजनों ने खरखौदा पुलिस को सूचना दी और पीड़िता को लेकर खरखौदा थाने पहुंचे। घटना की सूचना पर CEO किठोर ब्रिजेश सिंह मौके पर पहुंचे और साथ ही जांच पड़ताल की, जिस पर पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां पीड़िता का मेडिकल कराया गया। वहीं किशोरी के पिता की तहरीर पर खरखौदा थाने में आरोपी आसिफ के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। मामला 2 समुदाय के होने के चलते गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दलित समाज के लोगों ने CEO से मांग की है कि हर हाल में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वहीं इस मामले में आरोपी आसिफ से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि रेप करने के बाद वो दिल्ली भागने की फिराक में था। आरोपी आसिफ ने बताया कि किशोरी को नशीला पदार्थ देकर वो साथ रेप की वारदात को अंजाम करने ले गया था। साथ में जब रात में जब किशोरी के परिवार के लोग तलाश करते हुए घर के कुछ दूर आए, खेत में आए, तो वो वहां से भाग गया। उसने बताया कि वो किशोरी की गला घोटकर हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जब परिवार के लोगों की आवाज आई तो वो डर कर वहां से खेत छोड़कर भाग गया। आइए अब आप खुद सुनिए कि इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा। एक किशोरी है 15 वर्ष की, ग्राम मल्दन से, रात्रि में उसके साथ आशिफ नाम के लड़के ने बलात्कार कर दिया है। इसकी FIR दर्ज हो गई, लड़की का मेडिकल भी कराया जा रहा है, मुलजिम की तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तार करके मुकदमे का निस्तारण कराया जाएगा। अभी FIR में तो आसिफ ने एक नाम दिया, लेकिन लड़की का बयान में कहना 2 अज्ञात और लोग थे, तो उनकी भी शिनाख्त कराई जा रही है और अभियुक्त से पूरी पूछताछ की जाएगी। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें VK News। धन्यवाद।